कोसी वासियों को मिल सकेगा बड़ा सौगात। खबर सहरसा से, जहां सहरसा खगड़िया जिला की सीमा पर तटबंध के अंदर बसे लोगों के लिए राजनपुर घोगसम घाट पर बने चचरी पुल का निरीक्षण करने जिलाधिकारी आनंद शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ इस दुर्गम इलाके में पैदल पहुंचे, जहां चचरी पुल का निरीक्षण किया, जिसके बाद कोसी नदी पर पीपा पुल निर्माण को लेकर संभावना तलाशते जिलाधिकारी आनंद शर्मा दिखे। अगर पीपा पुल का निर्माण यहाँ होता है तो सहरसा खगड़िया और दरभंगा का बाजार जुड़ जाएगा, जिससे विकास की गति में भी तेजी आएगी। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के बाद कोसी तटबंध के अंदर बसे लोगों में काफी उत्साह है। जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान सिमरी बख्तियारपुर SDO सहित पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, पुल निर्माण विभाग सहित RWD की अभियंता भी मौजूद थे। जिला ब्यूरो शिव कुमार भगत। यहाँ पे फील्ड विजिट में आए थे तो देखे कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी नदी के उस पार रह रही है, जिसका मात्र ये साधन चचरी पुल है, जिसपे साइकिल से या मोटरसाइकिल से आ सकते हैं। कहीं किसी को उधर ज्यादा बड़ी समस्या हो, जिसको गाड़ी से लाने की आवश्यकता हो, तो एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। आवागमन का एक उपयुक्त साधन नहीं होना एक प्रथम दृष्टता ये दिखा। उसके बाद अपनी टीम को ऑर्डर किए हमारी सिमरी बख्तियारपुर की SDM महोदिया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RCD, फ्लड डिवीज़न और पुल निर्माण के हमारे इंजीनियर्स, इन सभी को आदेश दिया गया और ये लोगों ने पूरी टीम वर्क बहुत अच्छे से किया है। मात्र 24 घंटे के टाइम पीरियड में इन्होंने अपनी एक एनालिसिस की है, बहुत जल्दी रिपोर्ट सबमिट होगी और हम लोग इसको विभाग को अवगत कराएंगे, ताकि जल्द से जल्द अगर हो सके तो जन कल्याण में एक पीपा पुल का निर्माण यहाँ पे हो सके। धन्यवाद।